गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर नेम्ड टारोज रिवार्ड। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए बॉय हुज नेम इज टारो। सो टारोज रिवार्ड, टारो को रिवार्ड के तौर पर क्या मिला, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीड इन दिस चैप्टर व्हाट डिड मिस्टर टारो गेट एज ए रिवार्ड। ओके, रिवार्ड का मतलब पुरस्कार। पुरस्कार जब कोई बड़ा आदमी किसी को इनाम देता है किसी चीज़ के लिए खुश होकर के, तो उसे हम लोग रिवार्ड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि टारो को रिवार्ड के तौर पर क्या मिला। टारो एक आदमी है, उसने ऐसा कुछ काम किया होगा जिससे खुश होकर के उससे जो बड़ा आदमी होगा उसने उसको पुरस्कार दिया। ठीक है, तो ये जैसा पहले का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आज ये और चैप्टर पढ़ा देते हैं। टारोज रिवार्ड, इसका मीनिंग मैं कह देता हूँ, आप इसको अपनी किताब को खोल कर रखेंगे। यू विल कीप योर बुक ओपन एंड देन यू विल मैच योर लाइंस, देन यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली विच विल हेल्प यू टू गेट टू फेच फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव नॉट डन देन प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने आस पास पड़ोस में अपने दोस्तों मित्रों को फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि सब्सक्राइब होने से ही ये पढ़ाने वाले को अच्छा लगता है। मेरा क्लास, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको, इसका सबूत क्या है? इसका प्रूफ ये है कि यू विल सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब आप करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आपको इसका नीड है, अच्छा लग रहा है, तो आई विल कंटिन्यू एंड मेक मोर एंड मोर वीडियोज विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ओके, वी विल स्टार्ट इट नाउ। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल। थॉटफुल मतलब सोचने वाला, विचार करने वाला, होशियार, बुद्धिमान। थॉटफुल का मतलब हुआ जो आदमी विचार करके कुछ करता है। ठीक है, थॉटफुल, सोच विचार के काम करने वाला आदमी, उसको बोलते हैं कि ही और शी इज अ थॉटफुल पर्सन। एंड लविंग सन, एंड दैट बॉय वॉज अ लविंग सन ऑल्सो। वो अपने पेरेंट्स का लविंग सन था। सन और भी, सन क्या होता है बेटा, दो तरह का होता है। एक होता है कि पेरेंट्स के घर में है, पेरेंट्स का बेटा वो है, लेकिन पेरेंट्स का लविंग नहीं होता, आज्ञाकारी नहीं होते, दे आर नॉट डिसिप्लिनड, दे डोंट ओबे देयर पेरेंट्स, सो दे आर नॉट कॉल्ड लविंग सन। बट हियर इज अ स्टोरी अबाउट टारो हु वॉज अ लविंग सन। सो टारो एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा आदमी था जो लविंग सन था अपने पेरेंट्स का, एंड ही वॉज ए थॉटफुल पर्सन टू। वह एक विचारक भी था, वह विचार करता था कुछ करने के पहले, सोचकर काम करने वाला आदमी था। मतलब क्या हुआ अब तक, कि टारो एक ऐसा आदमी है जो होशियार आदमी है, थॉटफुल है, एंड ही इज अ लविंग सन ऑल्सो। सो इन दिस दीज लाइन्स वी फाउंड दिस थॉट एंड लविंग सन। तो थॉटफुल एंड लविंग सन, दीज आर कॉल्ड द क्वालिटीज ऑफ टारो। टारो नामक बच्चे की एक खूबी है जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। एक्चुअली व्हाई एम आई हाईलाइटिंग दीज वर्ड्स, बिकॉज दीज वर्ड्स आर कॉल्ड की वर्ड्स। की वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अगर मीनिंग ठीक से समझा जाए तो स्टोरी का थीम उसी में रहता है। समझे ना, पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है, बट सम वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट, सो दे आर कॉल्ड की वर्ड्स बिकॉज दे कंटेन द मीनिंग ऑफ द होल चैप्टर। सो आई एम हाईलाइटिंग दीज वर्ड्स लाइक थॉटफुल एंड लविंग सन। सो अब हमें ये पता चल गया कि टारो एक आदमी है जो लविंग सन भी है और थॉटफुल है। जाहिर है कि दैट टारो इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्रोटागोनिस्ट, P R O
प्रोटा PROTAGONIST प्रोटागोनिस्ट वो होता है कैरेक्टर जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। सो टारो इज हियर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी अबाउट टारो, हु ही वाज एंड हाउ ही वाज एंड व्हाट डिड ही डू। वह कैसा था, उसने क्या किया, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके चलते उसको रिवार्ड मिला। तो अब तक ये कहानी हम लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गई कि टारो इसका मेन कैरेक्टर है, उसको रिवार्ड मिला, और रिवार्ड किस काम के लिए मिला, तो कोई अच्छा काम ही किया होगा क्योंकि उसके विषय में लिखा है ही वॉज ए लविंग सन, ही वॉज ए थॉटफुल पर्सन। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। ही मीन्स मिस्टर टारो, टारो बहुत काम करता था, क्यों, टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूर्ण करना था, पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ आशा से हट के उम्मीद से ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो हेल्प कहाँ से मिलता है, सो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी भावनाएं अगर अच्छी हों तो आपको जहाँ तहाँ से हेल्प मिलता है। ही हैड गुड विशेज फॉर हिज पेरेंट्स, सो ही गॉट अनएक्सपेक्टेड हेल्प। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, अनएक्सपेक्ट मतलब बिना उम्मीद के, मतलब जहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं हो वहाँ से हेल्प मिल जाए, कोई हमें सहायता कर दे जहाँ से हम उम्मीद नहीं करते थे पहले, तो उसको बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प, हमें अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिला। बिकॉज आई वॉज नॉट होपिंग दैट फ्रॉम दैट प्लेस और पर्सन। सो टारोज रिवार्ड, ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। यह एक ऐसे वुड कटर की कहानी है, वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, उसका नाम टारो था, और टारो भी कहिए या तारो भी कहिए, हिंदी के अनुसार से कहेंगे तो तारो हुआ, और ये इंग्लिश के अनुसार से कहिएगा तो टारो हुआ। ठीक है, टारो इसलिए सही है कि पूरा इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तो होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ होता है टॉ, तो जब उसमें तो होता ही नहीं है तो टॉ का तो होगा ही नहीं, तो टारो है, लेकिन हिंदी वाले लोग उसको बोलेंगे तो बोलेंगे तारो, टी से त। सो नेम्ड तारो या टारो, टारो नेम्ड नामक एक बच्चा था, यंग वुड कटर था, वो वुड कटर था। ठीक है, विथ हिज मदर एंड फादर ओनली ऑन ए लॉनली हिल साइड, वह एक सुनसान हिल साइड पर रहता था, हिल साइड मतलब पहाड़ी के वाला क्षेत्र था वो। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, ये चॉप्ड वुड, चॉप्ड वुड का मतलब होता है लकड़ी काटना। ठीक है ना, ये चॉपिंग, चॉपिंग करना मतलब लकड़ी काटना, तो दिन भर लकड़ी काटता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, यद्यपि वह बहुत कार्य करता था, कठिन परिश्रम करता था, लेकिन वह बहुत कम रुपया कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इसके चलते वह दुखी था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, वह अपने माता पिता का बहुत ही ओबीडियंट सन था। ही वॉज ए थॉटफुल पर्सन, ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पेरेंट्स एंड फुलफिल देयर ऑल नीड्स, वह अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता था। पेरेंट्स की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बेटा अच्छा माना जाता है, आज्ञाकारी पुत्र की कामना सभी लोग करते हैं। सो इन दिस वे टारो वॉज ए वेरी गुड पर्सन, ही वॉन्टेड टू फुलफिल ऑल द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, टारो अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता था, इसके लिए वह दिन रात कठिन परिश्रम करता था, उसे पैसा बहुत नहीं होता था, लेकिन वह मेहनत बहुत करता था अपने माता पिता को खुश करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट,
एक शाम जब टारो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर की अपने अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठा था, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, जोरदार हवा बहने लगी। इट व्हिसल्ड, हवा से आवाज़ आ रही थी, मतलब हवा जोर जोर से बहती है तो आवाज़ आती है, तो व्हिसलिंग साउंड, हवा इतनी तेज़ी से बह रही थी जैसे कि वह व्हिसल बजा रहा हो, मतलब हवा से आवाज़ बाहर आ रही थी। इट व्हिसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सारे लोग बहुत ठंड महसूस करने लगे। ऑल पर्सन्स हु वेयर देयर दे स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड वेरी मच। सडनली टारोज फादर सेड, अचानक टारो के पापा बोले, टारोज फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, आई विश आई मस्ट हैव अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ शेक, चाय की तरह का कोई पेय पदार्थ था जो ठंडे के मौसम में वहाँ के लोग पीते थे। तो टारो का पापा बोला कि अगर उसे भी एक कप शेक मिलता तो इस ठंड के मौसम में कितना अच्छा होता, ठंड से बचाने का कार्य वह करता। तो शेक पीने का विचार हुआ। शेक क्या है? एक पेय पदार्थ है। मान लीजिए हमारे यहाँ जो होता ही होती है चाय, वी टेक टी इन दिस वे, दे वेयर टेकिंग शेक, वे लोग एस ए के ई, शेक का मतलब यहाँ एक पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, उसका पापा बोला इट विल मेक माई हार्ट गुड, इट विल मेक मी वार्म, इससे मुझे गर्माहट मिलेगी और ठंड से मैं बच जाऊंगा। दिस में टारो सैडर, सैडर सैड मतलब दुखी, सैडर मतलब बहुत दुखी, सैडर देन एवर, वह पहले इतना कभी दुखी नहीं हुआ जितना कि यह सुनकर खुश दुखी हुआ कि उसके पापा शेक मांग रहे हैं और वह पिलाने की स्थिति में नहीं है। बिकॉज ही वॉज ए पुअर पर्सन, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, दिल को सुकून देने वाला जो पेय पदार्थ था शेक वह इतना महंगा था, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, कि वो खरीद नहीं सकता था। फॉर दैट ही वॉज सो सैड, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाऊँ। ही आस्ट हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने वृद्ध पिता के लिए कहाँ से शेक लाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने और ज़्यादा काम करने का डिसीजन लिया क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा कमाना था। सो दैट ही माइट बी एबल टू बाई शेक फॉर हिज फादर। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अगली सुबह टारो और सवेरे जगा और बेड छोड़कर जंगल गया क्योंकि उसका डिसीजन था ज़्यादा काम करना। बिकॉज ही हैड टू अर्न मोर मनी टू बाई शेक फॉर हिज फादर। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, वह लगातार लकड़ियाँ काटता रहा, इस चिलचिलाती धूप थी, उसे गर्मी महसूस हुई, उसने जैकेट उतार के रख दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका मुँह सूखा हुआ था और पसीना से उसका बॉडी तर बतर था। स्वेट SWEAT, इस स्वेट का मतलब होता है पसीना, पसीना बहता था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज इट, अगर एज आई, उसको बोला कि माई फादर, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, वह मन ही मन सोचा इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उनको भी मेरे जैसे मुझे जितनी गर्मी महसूस हो रही है, इतनी गर्मी महसूस होती तो कितना अच्छा होता। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और यह विचार मन में आया तो और जोर जोर से काम करने लगा। स्टार्टेड चॉपिंग वुड फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, अपने वृद्ध पिता कि हड्डियों को गर्माहट दे सके शेक पिलाकर, इस भावना से वह और जोर जोर से लकड़ियाँ काटने लगा।
Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? तब उसे उसके कान में एक आवाज़ आई. वह सुन करके चुप हो गया. लकड़ी काटना छोड़ करके उस आवाज़ को सुनने का प्रयास किया. Could it possibly be rushing water? उसे लगा कि बगल में कहीं पानी बहने की आवाज़ आ रही है. तो उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन सोचा क्या संभव है कि यहाँ पर कहीं बगल में पानी बह रहा हो. टारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल के उस कॉर्नर में पानी का झरना था कोई या स्रोत था. ही हैड नेवर हर्ड अबाउट दैट. ही वॉज थर्स्टी. एज ही वॉज थर्स्टी मीन्स वह प्यासा था. द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. वह साउंड की डायरेक्शन में चला गया लकड़ी काटना छोड़कर. टारो सॉ ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक. टारो ने देखा कि वहाँ बगल में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है. नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने उस पानी में से थोड़ा सा अपने हाथ में लिया और उसको पीने लगा. वाज इट वाटर और वाज इट सेक. उसे लगा कि यह तो सेक है, वाटर नहीं, सेक जिसकी उसकी आवश्यकता थी, जो बहुत महंगा था, जिसको वो खरीद नहीं सकता था, बट खरीदने के लिए वह काम कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा. उसको कमाना था पैसा. उसका एम था टू बाई दैट सेक फॉर हिज फादर. और वाज इट सेक. यह सेक था. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर. वो ठंडे पानी की जगह वह डिलीशियस सेक था. डिलीशियस मतलब सुस्वादु, स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, टेस्टी सेक. टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. टैरो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा और घर आया वापस. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द सेक आफ्टर. बूढ़ा उसका जो पिता था वह सेक को पीकर काफ़ी खुश हुआ. एंड ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर. आफ्टर टेकिंग सेक ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन द लिटिल फ्लोर ये दैट फादर ऑफ दैट टारो. आफ्टर टेकिंग सिप ऑफ सेक दैट ओल्ड मैन स्टार्टेड डांसिंग ऑन द इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर. दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट. उसी आफ्टरनून में एक पड़ोसी आया वहाँ मिलने. टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सीप. टारो के पिता ने उसका स्वागत एक कप ऑफ सेक से किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली. महिला उसको पी ली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन को थैंक यू बोला. देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तब टारो ने पूरा वाटरफॉल जो मैजिक वाला था जहाँ से उसको मिला था उसके विषय में उसने बताया. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हड़ी. सो आफ्टर दैट लेडी वेंट अवे लेफ्ट द हाउस. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात तक उसने स्टोरी को स्टोरी को जो मिला था टारो को जंगल काटते समय पूरे गांव में फैला दिया. दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. गांव के लोग झुंड के झुंड इसके घर पर आए. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक. सारे लोगों ने एक एक सिप लिया, थोड़ा थोड़ा पिया जो भी अवेलेबल था यहाँ पर. इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी. थोड़ी ही देर में वह पूरा घड़ा जो टारो भर के लाया था खाली हो गया. गाँव वाले पी गए थोड़ा थोड़ा करके. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. वह और सवेरे काम करना शुरू किया टारो. ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड. बड़ा घड़ा लेकर के गया, सब घर का सबसे बड़ा बर्तन. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल. सबसे पहले पहुँचने का उनकी उम्मीद लेकर के गया वहाँ पर जहाँ पर मिलता था उसको सेक. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there.
उसने देखा कि सभी गांव वाले वहां पहले से ही पहुंचे थे। दे वेयर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स, वे अपना अपना बर्तन लेकर के आए थे। एनी थिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक डालने के लिए जो भी संभव था वो बर्तन लेकर के आए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, एक गांव वाला उस वाटरफॉल निकलते हुए रस को पीने का प्रयास किया। ही ड्रिंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर नथिंग बट वाटर, और चिल्लाने लगा कि तो पानी है, सिर्फ पानी है, इट इज नॉट सेक, इट इज ओनली वाटर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर, ऑल फाउंड दैट इट वॉज ओनली वाटर नॉट एनी सेक। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले बोले कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। वेयर इज टारो, वे टारो को खोजने लगे। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, लोगों ने सोचा कि उसको पकड़ के टारो को इसी में डुबा देते हैं, झूठ बोला है, ठगा है। बट टारो हैड बीन वाइज, लेकिन टारो इतना बुद्धिमान था। एनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वे आर गोइंग, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। जब उसने गाँव वालों को विचार सुना कि वे लोग उसे पानी में डुबाना चाहते हैं, तो वह चट्टान के पीछे छुप गया, वह मिल नहीं पाया गांव वालों को। अदरवाइज दे मस्ट हैव ड्राउन्ड हिम इन द वाटर। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और बुदबुदाते हुए बद्दुआ देते हुए गांव वाले जगह को छोड़ के चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टारो अपने हाइडिंग प्लेस से निकल के बाहर आया। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या सही था कि उसे सेक मिला था और गांव वालों को पानी। वाज द सेक ए ड्रीम, वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वाज द सेम फाइन सेक। उसने फिर पानी को पीने का प्रयास किया, टेस्ट करने का कि गांव वाले बोल रहे थे कि पानी है, उसे तो फिर मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल सेक है। तो कैसे था संभव यह कि गांव वालों के लिए वह पानी था और उसके लिए सेक हो जाता था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। उस महान टारो के लिए वह सेक था और गांव वालों के लिए केवल पानी। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान, यह टारो की कहानी, जादुई वाटरफॉल की कहानी एम्पायर ऑफ जापान के पास पहुंची, जापान के सम्राट के पास। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने टारो को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम, और टारो को रिवार्ड दिया। विथ 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, 20 सोने के सिक्के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, वह इतना मेहनती था और इतना सोचता था पेरेंट्स के लिए। फॉर दैट दे द किंग अवार्डेड हिम 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन, और तो उसने उस झरने का नाम रख दिया। दैट फाउंटेन वॉज नेम्ड एज द सिटी आफ्टर टारो, वो दैट फाउंटेन वॉज कॉल्ड फ्रॉम दैट डे टारो, टारो के नाम पर उसका नामकरण कर दिया उस झरने का जहाँ थे उसको मिलता था सेक। दिस सेड द एम्पायर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और कहा जाता है कि ऐसा उस सम्राट ने इसलिए किया ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करें। तो टारो हैड बिकम ए रोल मॉडल फॉर देम। सो आई थिंक that this chapter you have understood. If anything more you feel problem, you may put it in the comment box. From there I will make another video to clear your doubts, and in next video I will do question answers. So thank you for viewing. Thank you once again. Have a good day.